हेलो एवरीबॉडी, आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनसीईआरटी 9th क्लास के मैथ का 5th चैप्टर है, यूक्लिड ज्योमेट्रीज। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो यूक्लिड के सिद्धांत हैं उसके बारे में जानेंगे। ये दो, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो टॉपिक्स हैं, एक तो है एक्ज्यूम और दूसरा है पोस्टुलेट्स। बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जो एक्ज्यूम्स हैं और पोस्टुलेट्स हैं वो एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि, इससे पहले हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट और एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस जैसे भी हम कोई चीज बोलते हैं, कोई भी बात बात करते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, उसको सेंटेंस बोला जाता है। और जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो वाला सेंटेंस होती है जिसको हम लोग ठीक या गलत के तौर पे जज कर सकते हैं। हमने कोई मतलब, जैसे मैंने कोई एक सेंटेंस बोल दिया जिसको कि आप लोग ये ठीक है या गलत है उसके बेसिस पे उसको जज कर सको, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो इसी तरह से हमारे जो इस चैप्टर में है एक्ज्यूम और पोस्टुलेट्स, ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये एक सच्ची स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं। दीज बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट्स। तो फिर आप पूछोगे कि अगर ये दोनों एक ही चीज हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? तो हम उस पे भी आते हैं कि ये क्या होते हैं, एक्चुअली अलग कैसे हैं। तो ये दोनों चीजें पढ़ने के लिए, इसको समझाने के लिए हम दो चीजें और डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज थ्योरम और कोरोलरी। ये समझने के लिए हम दोनों, ये दोनों चीज भी समझेंगे कि ये क्या होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्ज्यूम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल दूं कि रात के वक्त अंधेरा होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक्ज्यूम या पोस्टुलेट्स इस तरह से होते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि, जैसे हम लोग पहले समझते हैं थोड़ा सा यूनिवर्सल ट्रुथ और ट्रुथ में थोड़ा सा अंतर होता है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मतलब वो हमेशा सच है, वो सच ही रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है, तो बिल्कुल सच रहेगा। और जो सच होता है वो समय के साथ या आपकी पोजीशन के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा आज 9th क्लास में पढ़ता है, तो बोलेगा कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो वो अभी के लिए सच है। लेकिन जो एक साल बाद वो 10वीं क्लास में हो जाएगा, तो बोलेगा कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, तो वो सच नहीं रह जाएगा। यानी कि ये उसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से जो बदलता रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ। एंड यूनिवर्सल ट्रुथ है वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सच ही रहेगा। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्ज्यूम और पोस्टुलेट्स हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आगे मैंने बताया था एक होते थ्योरम, आपने बहुत बार मैथ में इसका नाम सुना है थ्योरम। थ्योरम क्या होती है, ये भी एक ऐसी ही स्टेटमेंट होती है लेकिन इसको प्रूव करना पड़ता है, या ये एक प्रूव स्टेटमेंट होती है, पहले से प्रूव की हुई स्टेटमेंट होती है, यानी कि किसी ना किसी ने इसको प्रूव किया है, तो वो होती है थ्योरम। जब एक थ्योरम प्रूव हो जाती है तो उसके बाद उसको भी हम एक्ज्यूम या पोस्टुलेट की तरह किसी और थ्योरम को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे एक थ्योरम है हमारी आती कि एक ट्रायंगल है
जो इसके तीनों एंगल्स हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव्ड है, इसने इसको किसने प्रूव किया है तब ये जो थ्योरम जाके बनी है, ये स्टेटमेंट को प्रूव किया है किसी ने तब ये जाके थ्योरम बनी है। लेकिन इसकी उल्ट जो एक्सियम और पोस्टुलेट्स हैं वो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। और तीसरा होता है कोरोलरी। कोरोलरी क्या होती है, ये भी एक स्टेटमेंट सी होती है, ये बहुत ही चारों स्टेटमेंट्स हैं लेकिन मैं आपको इसका अंतर समझा रहा हूँ कि क्या होती है। कोरोलरी एक स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूव करने के लिए किसी थ्योरम का यूज किया गया हो वो उसको बोलते हैं हम लोग कोरोलरी। तो आइए हम अब अपने फिर वही उसी टॉपिक पे आते हैं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम क्या होते हैं, ये वो स्टेटमेंट होती है जो मैथ की किसी कौन से भी मैथ में मतलब सेट हो जाए, जैसे कि मैथ की काफी ब्रांचेस हैं जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, यहाँ अंकगणित हो गया आपका, अलजेब्रा हो गया, बीजगणित हो गया, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट्स यूज होती हैं दैट इज कॉल्ड एक्सियम्स। और जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो खाली ज्योमेट्री में यूज होते हैं। वैसे तो आजकल इनमें कोई अंतर नहीं किया जाता लेकिन क्योंकि हमारा ये चैप्टर है इसमें एक्सियम और पोस्टुलेट्स हमको अलग अलग करके पढ़ने हैं, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं तो आपने बोल देना कि ये एक ऐसी सच्ची स्टेटमेंट होती है जो कि ज्योमेट्री मेनली ज्योमेट्री में यूज की जाती है। और एक्सियम्स किसी भी तरह के मैथ में यूज होती हैं, जो कि मैथ की अलग अलग जो हैं उसमें सभी में यूज होता है, जैसे कि बीजगणित होगा, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, सभी में जो स्टेटमेंट्स ट्रू स्टेटमेंट्स यूज होती हैं दैट इज कॉल्ड एक्सियम्स। बस इतना ही इसमें फर्क है। तो इस चैप्टर में हमने क्या है, हमारे पास 7 एक्सियम्स हैं और 5 पोस्टुलेट्स हैं, तो हमने इनकी स्टडी करनी है कि ये क्या होती हैं। या हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये समझाने की मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपको खुद ही पता है। आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा ही होता है, इसमें मतलब समझने वाली क्या बात है, तो मतलब ये इतना आसान है, इतना छोटा चैप्टर है कि बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हम लोग पहले सबसे पहले एक एक करके जो 7 एक्सियम्स हैं हमारे वो देखते हैं और उनको समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सियम है ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो आप इसके नोटिस बनाइए जो मैं बोल रहा हूँ, आपकी ये मैथ में भी दिया हुआ है, जो एक्सियम्स हैं उनको रीड कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। तो मैं आपको एक एक करके ये समझाता हूँ। जो फर्स्ट एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, वो कह रहा है कि जो दो चीजें हैं मतलब कुछ चीजें जो आपसे बराबर होती हैं, आपसे इक्वल होती हैं, वो एक दूसरी के भी इक्वल्स होती हैं। जैसे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, जैसे कि मैंने बोल दिया कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए है एक बी है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये दो चीजें हैं जो एक सेम थिंग के बराबर है, यानी कि ए भी सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, सी मीन्स सेम थिंग। तो इससे हम लोग ये पहले प्रूव क्या करेंगे, अगर ए भी सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है तो हम बोल सकते हैं जो ए और बी हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे ए और सी बराबर है मतलब ए भी सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, तो सी दोनों में कॉमन है तो ए और बी भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा था फर्स्ट एक्सियम। हमारी जो दूसरी एक्सियम है वो है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, अगर किसी बराबर को उसके इक्वल में किसी और बराबर के में ऐड कर दिया जाता है तो जो सम आएगा वो भी इक्वल होगा। इसको हम दो एक दो तीन उदाहरण एग्जांपल्स लेंगे तो हम आपको प्रूव करते हैं कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई एक वैल्यू है 7
सेवन इज इक्वल टू सेवन, फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, सात और सात बराबर है, दोनों इक्वल्स हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, और एक भी बराबर है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन सम विल बी इक्वल, ये भी आठ हो जाएगा, ये भी आठ हो जाएगा, सिंपल। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक है ए है, ए इज इक्वल टू बी है, दो इक्वल्स हैं, उसमें इक्वल जोड़ना है, ए इज इक्वल टू बी है, इसमें हम लोग सी, इस तरफ भी सी जोड़ देते हैं और इस तरफ भी सी प्लस कर देते हैं, तो जो हमारा सम आएगा ए प्लस सी आल्सो इक्वल टू बी प्लस सी, ये सेकंड स्टेटमेंट होगी कि ए और बी बराबर है, अगर दोनों में सी जोड़ा जाएगा तो जो उनकी आंसर आएगा वो भी, उनका जो सम आएगा तो वो भी इक्वल होगा। इसको एक और एग्जांपल की मदद से एक बार और करते हैं इसको, जैसे ए और बी इक्वल हैं, वैसे सी और डी भी इक्वल हैं, ए और बी दोनों इक्वल हैं और सी और डी भी दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम इसको इनका सम करेंगे तो कि ये कितना आ जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, तो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट तीन तरह से समझा दिया है कि एक तो इक्वल में सेम इक्वल जोड़ दो, फिर इस तरह से उसमें सेम इक्वल जोड़ दो, या फिर इस तरह से दो इक्वल चीजों में दो इक्वल चीजें और जोड़ दो, जो ए इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगी। जो इसका थर्ड एक्सियम है वो है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स, तो ये बिल्कुल सेम जो सेकंड हमारा एक्सियम है उसकी उसी का तरह है, उसमें हम लोग जोड़ रहे थे, इसमें हम लोग उसको माइनस कर रहे हैं कि इक्वल में से अगर हम लोग इक्वल माइनस कर देंगे तो जो हमारा आएगा आंसर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा, तो ये बिल्कुल सेम सेकंड के जैसा, सेकंड एक्सियम के जैसा ही थर्ड एक्सियम है। और फोर्थ है थिंग्स विच आर कंसीडर्ड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो इसको समझते हैं, जैसे कि हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो सर्कल हैं ऐसे, और हम कुछ सॉल्व करना शुरू करते हैं इस सम को, कोई भी हमारे पास सम है, सम है उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो बाद में हमारे पास क्या आता है कि जैसे हम सम करते तो इसका जो r है, इसका जो रेडियस है, हमारे पास r1 और r2 है जो दोनों इक्वल प्रूव हो जाते हैं। सम सॉल्व कर रहे थे, देखने में ये बड़ा छोटा लग रहे हैं आपको मतलब, लेकिन जब हम लोग कोई सम शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई चांस अगर ये दोनों r1 और r2 पहले का रेडियस और सेकंड का रेडियस हमारे पास दोनों सेम आ गए तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो चीजें कोइंसाइड करती हैं वो आपस में मतलब इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, इसी से हमारा जो कॉन्ग्रुएंट का है थ्योरी है वो निकल के आती है। उसमें क्या होता है कि ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब जैसे हम आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ये इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए तो ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, मतलब ये इसको बिल्कुल कवर कर लेगा, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट मींस ये दोनों कोइंसाइड हैं, कोइंसाइड करते हैं, इसलिए ये दोनों सेम है, ये होता है कोइंसाइड का मीनिंग। जो फिफ्थ एक्सियम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो सारी चीज होती है वो उसके एक टुकड़े से बड़ी होती है। सिंपल की जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक ये केक का टुकड़ा है, तो मैंने उसको उसमें से एक पार्ट निकाल दिया, ये मैंने ये वाला पार्ट निकाल कर
अलग से रख दिया। तो फिर ये वो क्या बोलता है कि ये जो सारी चीजें, ये पूरे का पूरा केक है, सारी चीजें वो उसके एक पार्ट से बड़ी होती है। तो नेचुरल है अगर ये या जो सारा होगा, सारे का सारा, तो वो इस पार्ट से बड़ा होगा। ये तो मतलब बड़ी सिंपल सी चीज है कि ये पूरी की पूरी चीज होती है वो उसके किसी भी एक पार्ट से बड़ी होती है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि जो एक चीज का जैसे ए है और बी है, अगर इनका हम लोग डबल करते हैं, टू में इसका डबल हो गया टू बी, तो क्या कहते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग और ए और सी बराबर है, ए इज इक्वल टू बी है, द थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर आल्सो इक्वल। अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो इनका जो डबल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। सिंपल बात है, आप कैसे ही करते हैं, अगर इनका ट्रिपल भी कर दें, थ्री ए कर दें तो थ्री बी कर दें, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। मतलब दो जो सेम थिंग्स हैं, इक्वल थिंग्स हैं, उनका दोनों का आप डबल कर लो तो वो इक्वल होते हैं, यही इसमें बताया गया है। और जो सातवां है बिल्कुल इसी की तरह है, उसमें बोला गया है कि अगर जो दो बराबर थिंग्स हैं, इक्वल थिंग्स हैं, उनका आप हाफ कर दो, ये टू ए, टू ए है, अगर इसको ए ओवर टू कर दो, ए ओवर टू कर दो, और इसको बी ओवर टू कर दो, यानी कि उसका हाफ कर दीजिए, तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये सिंपल सेवन एक्सियम से इक्वलेट ज्योमेट्री के सिंपल है बिल्कुल। और अब आगे हम लोग करेंगे जो इसके फाइव पोस्टुलेट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, आइए उनको भी हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट है पोस्टुलेट वो क्या है। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। वो क्या बोल रहा है कि जो दो पॉइंट हैं, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। यस, जैसे कि ए पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया, तो इनको हम लोग मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो जो दो पॉइंट्स हैं उसमें एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, जहां एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। देखिए, तो कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी, यहां पर ले लीजिए, ये पी है, ये क्यू पॉइंट है, तो इसमें से जो इसको मिलाएगी ये एक ही यूनिक लाइन होगी। ये याद रखिए कि दो पॉइंट में एक लाइन खींची जा सकती है, एक ही लाइन खींची जा सकती है। एक पॉइंट में आप कितनी भी लाइन खींची, जैसे ये सिंगल पॉइंट है यहाँ पर क्यू, अगर सिंगल पॉइंट है तो उसमें से आप बहुत सारी लाइन, इन्फिनिटी लाइन खींच सकते हो, कैसे भी करके आप यहाँ से लाइन खींच सकते हो। लेकिन जब पॉइंट दो आ जाते हैं तो इनमें से एक ही लाइन पास होगी, यानी कि एक ही यूनिक लाइन होगी जो इसमें से खींची जा सकती है। तो इसको कहने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक होती है हमारी लाइन, लाइन, एंड सेकेंड होती है लाइन सेगमेंट। ये दोनों में थोड़ा सा आप अंतर जान लीजिए कि ये क्या होता है। जैसे हमने बोला, आपको बोला जाता है कि आप एक हमको चार इंच लंबी लाइन खींच के दिखाइए या छह सेंटीमीटर की लाइन खींचे, तो हम लोग खींचते हैं ये सिक्स सेंटीमीटर, छह सेंटीमीटर लंबी लाइन। ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। इसके दो पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में जो लाइन बनती है तो वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। That is not a line. Line क्या होती है? Line वो चीज होती है, इसको इस तरह एरो के साथ डिफाइन किया जाता है, दोनों तरफ इसके एरो लगे होंगे, मतलब इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है, अप टू इंफिनिटी, अनंत तक बढ़ा सकते हैं आप, जितनी भी चाहो उतना बढ़ा सकते हो।
मतलब ये अगर इसको अगर बढ़ाने पे आऊं तो मेरा ये ब्लैक बोर्ड ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो ये बेसिक आंसर अंतर है लाइन और लाइन सेगमेंट में। तो दो पॉइंट्स के बीच जो लाइन सेगमेंट आएगा वो एक यूनिक लाइन सेगमेंट होगा, एक ही होगा। देन सेकंड, गिवन टू डिस्टेंट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन एंड पासेस थ्रू देम। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफिनिटी। तो मैं यही जो सेकंड हमारा है वो यही है सेम जो मैंने अभी आपको बताया लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर बताया। तो वही है कि जो एक टर्मिनेटेड लाइन है कैन बी प्रोड्यूस इनफिनिटी, को कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ। ये हमारा सेकंड कंक्लूड हो गया। थर्ड इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप मेरे को एक पॉइंट दे दो, यहाँ दे दो, इधर दे दो, इधर दे दो, और एक रेडियस दे दो। अगर मेरे पास आपने मेरे को एक पॉइंट दे दिया और एक रेडियस दे दिया तो मैं उसका सर्कल बना सकता हूं ऐसे। ये छोटा सा मैंने ये थोड़ा बराबर कि हम लोग किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर या किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल है बिल्कुल। हमारे पास कुछ राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स भी है मतलब 90 डिग्री, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी। ये हमारे पास अलग अलग तरह के राइट एंगल्स हैं। तो ये वो बोल रहा है कि जो राइट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, तो इसमें कुछ मतलब समझने की तो बात है नहीं। सेम थिंग है कि राइट एंगल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो अभी तक हमने ये चार कैलकुलेट करे, ये तो बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल थी। लेकिन अब जो पांचवा है उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि वो क्या है। उसमें बोला जाता है कि हमारे पास दो लाइंस हैं, कैसी भी एक ऐसी है एक ऐसी, ये दो लाइंस है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो अब समझे इसको क्या है, इसमें आगे क्या है। तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स से उसके अंदर की तरफ एंगल्स बनेंगे, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, चार एंगल्स बनेंगे इंटीरियर। तो जिस तरफ के एंगल्स का जो सम है वो दो राइट एंगल से कम है, मतलब दो राइट एंगल मींस हो गया 180 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो दो राइट एंगल का मतलब हो गया 180 डिग्री, यानी कि जिस तरफ के दो एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, अगर हम उन दोनों लाइंस को उसी तरफ बढ़ाते हैं तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो इसका ये वाला एंगल है 90 का है या 92 मान लीजिए, ठीक है, ये वाला एंगल है मान लीजिए 108 का है। अगर ये 92 का है तो ये कितना करेगा, 88 रह गया, 108 का ये 72 रह गया, है ना। तो हम दोनों तरफ जोड़ेंगे, ये 180 से बढ़ गया, ये 180 से कम है, इट मींस क्या हो गया, जिस तरफ कम है अगर हम लोग इनको इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ये वाला जो समय आपको एक आध दो नंबर का आ सकता है,
उसमें कैसे आ सकता है, हम थोड़ा सा इसको और थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं उसको, कि मान लो मेरे पास ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, और ये एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं लग रही है कि कहीं पर भी जाके मिलेगी, ये पैरेलल जैसी, हाँ जो मतलब पैरेलल का कंसेप्ट है, जो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है वो इसी पोस्टुलेट से मतलब आप उसको रिलेट कर सकते हैं, तो वो हम लोग आगे जो हमारे चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे, तो आप उसके लिए इसको थोड़ा सा जरूर समझें। तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं लगता कि कहीं पर भी जाके मिलेंगी, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि इसको लग क्या रहा है, हमने जो फैक्ट्स हैं हमारे वो स्टडी करने हैं, तो उसमें हमने हमको बोल दिया इसको, तो आपको देखने के जो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के लग रहे हैं, तो इसको बोल दिया कि ये वाला जो इसका एंगल है वो 80 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो 101 डिग्री है और ये वाला एंगल 100 डिग्री है और ये वाला 79 डिग्री है, तो हमने देखने में नहीं लगता, हमको क्या करना है कि उनके दोनों का सम करना है, 80 और 101 कितना आ गया 181, तो ये तो 180 से बड़ा है 181, या जो हमारा 181 आया है वो 180 से छोटा नहीं है, तो इट मींस जब हम इनको इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपस में नहीं मिलेगी, लेकिन इधर ये काम आएगा, ये इधर 179 आएगा, तो जो 180 है उससे ये छोटा है, जब ये छोटा आ गया तो कहीं पर भी जाकर पता नहीं कितनी लंबे जाकर ये आपस में इंटरसेक्ट जरूर होगी, तो यही था हमारा जो हमारा है फिफ्थ पोस्टुलेट है वो यही था, तो ये बस इतना ही चैप्टर है, आपको खाली 7 व्यू और 5 जो पोस्टुलेट्स हैं वो पढ़ने हैं कि ये क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है जैसे मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो इसको वीडियो को दोबारा से एक बार और देख लें, तो फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका पूछ सकते हैं, जो आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या समझ नहीं आ रहा है तो मैं वहीं पर आपको इसका आंसर दे दूंगा, तो जो इसकी एक्सरसाइज है 5.1 और 5.2 वो आप अपने आप करें, यही प्रिंसिपल लागू होते हैं उसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो हमारी 5.1 और 5.2 जो एक्सरसाइज है उस वो सॉल्व कैसे करनी है, तो बस यही था, एंड में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको फैला सके जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं, ताकि और भी जो बच्चे हैं जो और भी पढ़ने वाले हैं वो भी अच्छी तरह से मैथ्स जो है वो पढ़ सकें। थैंक यू।